बाबा के बच्चे कहते शिव भोलानाथ की तो भंडारी है, भंडारी ब्रह्मा बाबा की नहीं है। यह कहीं कहीं लिखा है ब्रह्मा बाबा भंडारी, शिव भोलानाथ की भंडारी। तो फिर लेकिन भंडारा किसका है? जो ब्रह्मा भोजन, भंडारा भी शिव भोलानाथ का, और जो भोजन तैयार हुआ वो ब्रह्मा भोजन है, भोजन ही कहा गया। क्योंकि बनाने वाले इस भोजन को कोई कुक नहीं है, कोई बाहर के कैटर्स को नहीं दिया गया, तो बनाने वाले ब्राह्मण है, ब्रह्मा के बच्चे, इसलिए क्या नाम दिया? और शिव बाबा जो भोजन को स्वीकार करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ज्योति बिंदु है। लेकिन ये भी कहा बिन बन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी योगी। अब निराकार कैसे सकल रस भोगी बनेंगे? और इतना भोग हमारे आज 9,000 सेंटर्स हैं, कितना भोग लगता होगा, कितनी पाठशालाएं होंगी, कितने भाई बहन अपने घरों में बाबा का बना के भोग लगाते हैं, बड़ी शुद्धता से, प्यार से, पवित्रता से। तो चूंकि बनाने वाले पवित्र ब्राह्मण है, ब्रह्मा भोजन। तो एक बार क्या हुआ था, मधुबन में साउथ की दो माताएं आई थी और बहुत अच्छे घर की थी, बहुत भक्ति वाली थी। तो सुख धाम में उन दोनों को रहने की जगह दी गई थी। वो 3 दिन का अपना खाना लेके आई थी, जो भी बना के 3 दिन चल जाए। वो खाती नहीं थी, कहीं का नहीं खाती थी, उनका अपना नियम था। इतनी वो भक्ति वाली डूबी थी, कहीं नहीं खाती। तो वो रात को दिन के टाइम पे दोनों सो रही थी, उनको स्वप्न आया कि बच्ची ये संगम योग है, जिस ब्रह्मा भोजन को देवताएं भी तरसते हैं, क्योंकि देवताएं होंगे सतयुग में, ब्रह्मा भोजन बनता है संगम पर, तो दो नदी के किनारे मिल तो नहीं सकते, मिलेंगे? जब सतयुग होगा तो ब्राह्मण नहीं होंगे, शिव बाबा नहीं होगा, बाबा परम धाम में होगा। तो तुम्हें पता ये भोजन कौन बना रहा है? और अगर ब्राह्मण बन के भी तुमने ये भोजन नहीं किया तो कुछ नहीं, कुछ मिला ही नहीं। तो बाबा ने साक्षात्कार कराया कि रूप तो वही है जो किचन में भोजन बनाने वाले, लेकिन उनके सिर पे डबल ताज दिखाया, लाइट का और रतन जल और वेशभूषा देवता ही। तो कहा बच्ची ये भविष्य के देवता हैं, भविष्य होने वाले देवता हैं और संगम के ब्राह्मण हैं। तो जो देवताओं को भी भोजन नहीं मिलता वो ब्राह्मण संगम पे बना रहे हैं, इसलिए तुमको ये भोजन खाना है बाप के घर, ये किसी और जगह का भोजन नहीं है। तो दोनों की नींद खुली और दोनों ने अपने अपने स्वप्न सुनाए, और एक जैसा स्वप्न दोनों, उन्होंने अपना सुनाया, उन्होंने अपना सुनाया। फिर दोनों उठी तो हमारी जो भोली दादी थी, जिसका कभी मुरलियों में नीचे कराता है बाबा करते हैं, यज्ञ की स्थापना हुई थी, पूरे भंडारे की इंचार्ज बोली था कितना भोजन बनना है, रात हो दिन हो कितनी पार्टियां आई, और कभी ना नहीं करती थी। अगर किसी को मक्खन दे रही हो, कोई कहते पापड़, तो हाँ सिंधी में तरस तरस मना, रुको भी दे रहे। तो ऐसे करके कभी उसे ना नहीं, और सारी दुनिया दोपहर को रेस्ट करती थी, भोली दादी बैठे रहते थे भंडारे, कब कौन आ जाएगा, क्या चीज लेने आएगा। तो भोली दादी ने देखा कि जब भोजन बचता है, अभी भी बचता है, तो बड़े भंडारे में काउंटर बना दिया जाता है। तो बाल्टियां गैलोनाइज की थी, जो कभी सुनना मंजीवन फरीदाबाद से लेके आई थी, वो लंबी स्टोरी है कैसे खरीदने के लिए गई थी। तो वो ढक्कनदार थी और उसी में भोजन बचा हुआ लाइन से, एक में रोटी दाल सब्जी रायता जो भी है, जिसको देर सवेर कोई घूमने गया या पार्टी देरी से आई है, भोजन रखा, खुद सर्विस करो, परसों खाओ। तो वो दोनों माताएं जब आई तो थाली ढूंढी और अपने आप उसी में से बचा हुआ, माताओं की वेशभूषा सकल सूरत देख करके लगा कि ये साधारण माताएं नहीं। तो
तो भोली दादी ने उल्टा नाम पूछ लिया और इस टीचर बहन के साथ आई और किस सेंटर से किस शहर से आई बस कुछ नहीं। जब वो बहन मिली तो भोली दादी ने कहा कि देखो तुम इतने अच्छे लोगों को ले आती हो जो वीआईपी कैटेगरी है तो उनका ध्यान दो ऐसे नहीं छोड़ो उन लोगों को। तो बोली दादी आप किसकी बात कर रही हो तो भोजन खा ही नहीं सकती वो अपने पे सही हो अपने पे सही नहीं किसकी माता है तेरी माता है या नहीं है फिर माता तो मेरी है दादी पर वो खाने के लिए नहीं आ सकती। अच्छा जाओ तुम पूछो। जब टीचर बहन गई और पूछा तो बात सही निकली बोली दादी की उन्होंने बताया तो तब से उनको भावना बैठी है। तो जब भावना बैठ गई तो स्वाभाविक है ब्रह्मा भोजन भी कराएंगी तो खाएंगी भी तो बाबा के घर का कुछ भी हो तो उनके लिए अमृत है।